ऑल एट वंस अगेन वेलकम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग में कई सारी बातों को डिस्कस किया था और फोटोशॉप से कैसे क्या क्या डिज़ाइन बनाई जा सकती हैं, बने बनाए डिजाइन में एडिट कैसे किया जा सकता है, इन बातों को डिस्कस किया था। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ लास्ट क्लास में उन्होंने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में लोग बात कर रहे थे कि अगर आपको कोई ग्राफिक्स बनाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है PSD फाइल्स डाउनलोड कर लीजिए। PSD फाइल्स आपको कहाँ पर मिल जाती है, उसके लिए कई प्लेटफॉर्म है, जैसे PSD.zone एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको PSD फाइल मिल जाती है। Indiator.com है, यहाँ पर इंडियन फाइल्स मिल जाती हैं। उसके अलावा FreePic करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। कुछ और भी टूल्स हैं जिनमें मिल तो जाती नहीं, थोड़ा पेड होती हैं, जैसे कि एक इन्वेंटो एलिमेंट्स करके आता है, तो इन्वेंटो एलिमेंट्स नाम का जो टूल है यहाँ पर भी आपको PSD फाइल मिल जाती हैं। हेलो, हाँ क्लास में, तो इन्वेंटो एलिमेंट्स में भी आपको PSD फाइल मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर पेड मतलब रुपए देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी PSD फाइल्स मिल जाती हैं। मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जिसमें कि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी PSD फाइल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। PSD फाइल में फ़ायदा ये मिलता है कि आपको यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन में दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बड़े अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, लोगो कहाँ होना चाहिए, टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए, डिज़ाइन पर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, फॉन्ट बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपका काम आसान हो जाता है। तो PSD फाइल यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, फोटोशॉप पे जाकर के उसको ओपन कर सकते हैं। फॉन्ट कई सारे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स होते हैं, कल जैसे एक दो फॉन्ट हम लोगों ने देखे थे, ऐसे कुछ फॉन्ट्स अगर मैं यहाँ पर नोट कराता हूँ तो आप नोट कर सकते हैं, जैसे एक मॉन्स्टेड नाम से PRSSSD मॉन्स्टेड नाम से एक बड़ा अच्छा फॉन्ट आता है, डेजा वो सन्स नाम से एक फॉन्ट आता है, रोबोटो नाम का एक फॉन्ट आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फॉन्ट्स हैं, जैसे कि एक फॉन्ट आता है रेडिकलीज नाम से, बड़ा अच्छा फॉन्ट है, रनिंग टेक्स्ट का जब हमें यूज़ करना होता है। बाकी तो अगर आप PSD यूज़ करेंगे तो धीमे धीमे आपको खुद भी बड़े अच्छे अच्छे फॉन्ट मिलते जाएंगे। रनिंग टेक्स्ट का मतलब ये होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग कंटेंट, होपफुली वाइस स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। जैसे ये ग्राफिक्स है यहाँ पर, तो इस ग्राफिक्स में ये जो फॉन्ट यूज़ किया गया, कॉम्पिलेशन जैसे लिखा हुआ है एकदम स्टाइलिश तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकलीज फॉन्ट फिलहाल यहाँ पर। ऐसे ही कई सारे फॉन्ट आते हैं जो रनिंग टेक्स्ट में होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे DJ एंटोनियो करके कुछ लिखा हुआ, तो ये सब रनिंग टेक्स्ट वाले फॉन्ट हैं, तो इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कर्मीला नाम से एक फॉन्ट आता है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हिंदी में लिखने के लिए फिर अलग कहानी है, उसको भी आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है। PSans नाम से एक फॉन्ट आता है, ये सब कुछ फॉन्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप विद द टाइम कई अच्छे अच्छे फॉन्ट आपको भी मिलते जाएंगे। इन्हीं फॉन्ट्स का यूज़ करना चाहिए, जो नॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं, हाँ बिल्कुल आ जाइए, जो नॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनसे भी वो चीज़ नहीं आ पाती जो हम चाहते हैं। तो फॉन्ट्स का वैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा रोल होता है, सही फॉन्ट सही टाइम पर यूज़ करने चाहिए जिनको हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो जैसे ये फेसबुक का एक ग्राफिक्स है यहाँ पर, मेटा कंपनी का, द फेसबुक सीजन लर्न हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन। इस ग्राफिक्स को देख करके एक ग्राफिक्स और बनाया गया, ये वाला ग्राफिक्स, ठीक है, एक स्टूडेंट को मैंने वर्क दिया था और उन्होंने इस ग्राफिक्स के रेफरेंस से ये ग्राफिक्स बनाया, या जो एग्जैक्ट बात करें हम लोग, जैसे ये वाला बनाया, ये ग्राफिक्स और ये ग्राफिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, पहले ये तो कौन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला या फिर ये भी उसी का ही कुछ डिफरेंस समझ सकते हो, और ये वाला, वो वाला कुछ लोगों को पहले वाला अच्छा लग रहा है, कुछ लोग जैसे ये वाला है, तो इसमें तो बिल्कुल ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जैसे ये वाले में उस वाले में क्या डिफरेंस लग रहा है, चीज़ें इसमें भी है, इमेज है, टेक्स्ट लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अभी हम लोग ये भी समझेंगे। तो पहला डिफरेंस, तो फॉन्ट का बड़ा रोल होता है, तो सही फॉन्ट हमें यूज़ करने चाहिए, और फॉन्ट विद द टाइम आप लोग नोट समझ जाएंगे, ये सब फॉन्ट आप नोट कर सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए जैसे फॉन्ट्स आते हैं, कृति देव नाम से एक फॉन्ट आता है हिंदी के लिए, हिंद नाम से एक फॉन्ट आता है हिंदी के लिए, एक बड़ा अच्छा फॉन्ट आता है कलाम नाम से, बड़ा अच्छा लगता है हिंदी का ये फॉन्ट है, और भी कई हिंदी के फॉन्ट है, हिंदी में भी आप देखोगे बड़े स्टाइलिश ढंग से लिखा होता है। तो एक दो फॉन्ट और मैं नोट करा देता हूँ,
अभी तो ये आप 3 नोट कर लीजिए, बाकी भी एक दो नाम मेरे माइंड से मिस हो गए हैं तो ये याद आएंगे तो बता दूंगा। तो हिंदी के और फॉन्ट्स को आप ऐसे भी गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं, गूगल हिंदी फॉन्ट्स। तो गूगल की अपनी खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे हिंदी के अलग अलग फॉन्ट्स दिखेंगे। और फॉन्ट्स का भी मैं एक दो रोल और आपको दिखाता हूँ। हिंदी टाइपिंग भी बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है, तो आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि हिंदी टाइपिंग कैसे करें। तो ये सब कई सारे फॉन्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, अगर हम लोग सर्च कर पाए यहाँ पर। बताना चाहेगा शॉर्टकट की, इस काम को करने के लिए कंट्रोल वाई कर सकते हैं, रीडू होता है ये, तो ये एमएस वर्ड में भी होता है। लैंग्वेज में अरेबिक, बंगाली, चाइनीज और ये सब लिख करके आ रही हिंदी के लिए, बड़ी गलत बात, हिंदी के नाम नहीं आ रहा है, तमिल आ रहा है, हिंदी नहीं आ रहा है। तो हिंदी के कई और फॉन्ट्स मिल जाएंगे। खैर, तो ये सब बातों के बाद फोटोशॉप पे वापस से आते हैं और हिंदी टाइपिंग में करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने नई फाइल यहाँ पर ली है, तो फोटोशॉप ओपन करेंगे, नई फाइल देंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर मुझे कुछ हिंदी में लिखना है, तो लिखने का तरीका तो वही होता है कि टी फॉर टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करो, फिर इस जगह पे आ जाओ। अब हिंदी में जो लिखना चाहते हो हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। कीबोर्ड में हिंदी टाइपिंग अगर नहीं आती है तो क्या तरीका है? मोबाइल में भी हम लोगों को हिंदी टाइपिंग करना नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखता चला जाता है कीबोर्ड का यूज़ करके। कुछ वैसा ही लैपटॉप में भी होता है, एक टूल आता है गूगल का ही, गूगल इनपुट टूल नाम से। तो गूगल इनपुट टूल जो है, इससे क्या होता है कि आप हिंदी में टाइप कर सकते हो। तो अगर आपको कभी किसी ग्राफिक्स में हिंदी में टाइपिंग करना हो तो गूगल इनपुट टूल नाम का ये टूल आता है। तो गूगल पे जाना, सर्च करना गूगल इनपुट टूल और ट्राई इट आउट में जाना। कई और भी टूल आते हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। तो गूगल इनपुट टूल पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर हिंदी टाइपिंग के लिए अच्छा टूल है। यहाँ पर आप लैंग्वेज को ले लेना हिंदी, ये मैंने हिंदी यहाँ पर ले लिया। मैं अपने कीबोर्ड में इंग्लिश में लिखूंगा और यहाँ पे हिंदी में लिखता जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मुझे लिखना है रैंक कीवर्ड, तो मैंने RANK लिखा और ये रैंक लिख करके आ गया। मुझे कानपुर लिखना है तो मैंने कानपुर लिखा और ये लिख करके आ गया। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जैसे अगर मैं ये ले लूँगा तो गलत लिखा हुआ है कानपुर, गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये वाला सही है, ठीक है। तो रैंक कानपुर जैसे मैंने लिखा, अब इसको यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी से सेलेक्ट करके यहाँ से कर लो कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दो। तो ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ, मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, 100 कर देते हैं। ये देखो रैंक कानपुर यहाँ पर लिख करके आ गया। अभी जो फॉन्ट है उसका नाम है हिंद फॉन्ट, इसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। ये ऐसा यहाँ पर लिख करके आ गया है। अब इसका मान लेते मुझे इसको और स्टाइलिश तरीके से लिखना है, तो जैसे एक दूसरा फॉन्ट मैंने बताया कलाम नाम से, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो हिंदी के दूसरे फॉन्ट भी। जैसे कलाम नाम का जो फॉन्ट है वो मेरे लैपटॉप में तो इंस्टॉल हो सकता है, आपके वाले में इंस्टॉल ना हो तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो कलाम फॉन्ट से क्या हुआ, इसका लिखने का थोड़ा सा तरीका अच्छा और अच्छा हो गया, बात समझ पा रहे? तो फॉन्ट्स का बड़ा रोल होता है, तो सही फॉन्ट यूज़ कर, तो सही फॉन्ट यूज़ करना बेहद ज़रूरी होता है। एक दो ग्राफिक्स हो गया आपको दिखाता हूँ। जैसे यही ग्राफिक्स है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बड़ी सी डिजाइन बनी हुई थी। ये जो कानपुर की सबसे विश्वसनीय करके लिखा हुआ है, ये क्या है, ये वही कलाम फॉन्ट का यूज़ करके लिखा गया। नॉर्मल फॉन्ट से अगर लिखा जाता तो उतना स्टाइलिश तरीके से ना लिख पाता। ये पूरा ग्राफिक्स बनाने का जो तरीका है वो वही है कि उसके लिए वहाँ से जा करके इसको बनाया गया है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हिंदी का इस फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए।
तो नेक्स्ट आते हैं हिंदी के फॉन्ट की, होपफुली आप बात समझ गए होंगे, ऐसे और भी कई फॉन्ट्स हैं उनका टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं, गूगल पे जाना, बड़े अच्छे अच्छे हिंदी फॉन्ट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले बात पर। अभी कल की क्लास में ही जो मैंने बताया था कि PSD फाइल को कैसे एडिट किया जा सकता है, और PNG वाली जो फाइल होती है, मतलब जो कि कोई ग्राफिक्स आपके किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, उसको कैसे एडिट किया जा सकता है। तो PNG फाइल को एडिट करने के लिए मैंने बताया था दो तरीके। पहला तो ये था कि उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना दो, और दूसरा तरीका मैंने बताया था रेक्टेंगल सेलेक्ट वाला। तो इन दोनों तरीकों के बाद मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ, फिर आते हैं अगली बातचीत पर। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई फ़ोटो है और उसमें मुझे कुछ एडिटिंग करना है। आपकी कोई पुरानी फ़ोटो है, किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, आपको ग्राफिक्स बड़ा अच्छा लगा और उसी को आप एडिट करना चाहते हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? जैसे मान लेते हैं यही ग्राफिक्स है मेरे पास, इस ग्राफिक्स को एडिट करना है। यहाँ पे जो स्टूडेंट का फीडबैक लिखा हुआ है, इस जगह पे कुछ और लिखना है। तो इस काम को करने का तरीका ये है कि एक रेक्टेंगल बना दो। तो रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर रेक्टेंगल को कर देंगे ड्रा, और इसका कलर भी वही वाला हो तो उसके लिए यहाँ से कलर पे जा करके येलो कलर ले लेंगे। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, कभी कभी आपको एडिट करने में रेक्टेंगल से बात नहीं बनेगी। इसका भी मैं एक दो सैंपल ले लेता हूँ कोई ग्राफिक्स का। ऐसा कोई ग्राफिक मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो। प्रिंट करना चाहते हो उसको प्रिंट कर ले, फिर आगे जाते हैं। कनेक्टेड एवरीवेयर। जैसे मान लेते हैं ये ग्राफिक्स है यहाँ पर, और हालांकि ये तो वैसे एडिटेड ही है, तो इसमें तो नया बना लो ज्यादा बेटर है। इस ग्राफिक्स को कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स है, उसपे मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस पर कैसे एडिट पॉसिबल है। ये सब तो सिंपल सिंपल से ग्राफिक्स है। हाँ, जैसे ये इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये कोई ग्राफिक्स मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसी में मुझे अपने अकॉर्डिंग एडिट करना है। इस जगह पर ये जो लोगो लगा हुआ है रैंक कीवर्ड्स का, इसको हटा करके मुझे किसी और कंपनी का लोगो लगाना है। तो उसके लिए तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊँगा तो वो अलग से समझ में आएगा। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके पास के एरिया से कुछ हिस्सा क्रॉप करके इसके ऊपर लगा देंगे। तो हिस्सा क्रॉप कैसे करते हैं, उसका तरीका मैंने ये बताया था। सबसे पहले यहाँ पे जाओ, रेक्टेंगल सेलेक्ट करो, फिर कुछ एरिया यहाँ से क्रॉप कर लो। जैसे मान लेते हैं कि मैं सबसे पहले नीचे से इस जगह से क्रॉप करता हूँ, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस जे। कॉपी करने को यहाँ पे बोलते हैं Ctrl+J। ये मैंने जब Ctrl+J क्लिक किया, ये मुझे यहाँ पे अलग से देखो एरिया मिल गया, ये वाला ये एरिया मिल गया। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा करके यहाँ कहीं पर सेट कर दो, थोड़ा सा दिमाग से।
हाँ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ये, ठीक है ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब कई बार वो उतना क्लियरली नहीं आ पाता है तो थोड़ा सा इधर उधर से निकालना पड़ेगा, ये दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा। फिर से मैंने कंट्रोल जे क्लिक किया और उसको थोड़ा सा नीचे इस जगह पे कहीं पर ला करके सेट कर दिया। ऐसे एक दो और सेट कर देंगे तो वो फिर समझ में नहीं आएगा। तो रेक्टेंगल सेलेक्ट को यूज़ करने के लिए आप पहले एरिया को सिलेक्ट करो, जो भी एरिया चाहिए। अब कहाँ से एरिया लेना है वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर कंट्रोल प्लस जे क्लिक करना तो उतना एरिया कॉपी हो जाता है। फोटोशॉप को अगर ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जे यूज़ करना ऑनलाइन के लिए सिर्फ। और इसके बाद यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब उसको वहाँ से ले जाके जिस जगह पे लगाना उस जगह पर उसको लगा देना। तो जैसे मैं इसी एरिया को एक दो बार और कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे मैंने फिर से किया, इसी को और जगह लगा देते हैं, क्या दिमाग लगाना, ठीक है। और बारीक तरीके से करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, उतना तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतने अंदर तो कौन नहीं देखता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हटा सकते हैं, तो ये हो गई दूसरी टेक्निक जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। कई बार ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है तो फिर उसके लिए तरीका ये है कि आप क्रॉप कर लो उतनी इमेज को, मान लेते हैं इस जगह पे कुछ ऐसा बना होता जिसको हम लोग ना हटा पाते तो फिर क्या करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। जैसे इतना हिस्सा मैंने यहाँ से क्रॉप कर लिया, फिर वो ऊपर साइड जा करके अपना यहाँ पे डिजाइन को बना लो, वो रेक्टेंगल भी बना लो, उस ये रेक्टेंगल बना हुआ है तो दो लाइनों वाला रेक्टेंगल है। हाँ अब इस तरीके की लाइन कैसे बनाएंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तीसरी जो टेक्निक रहती है हम लोगों की वो रहती है क्रॉप करने वाली, कि कई बार वो काम हमारा उस तरीके से नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। जैसे क्रॉप करने के एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, तब आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्रॉप करने का मतलब क्या है। जैसे इसी ग्राफिक्स हम लोगों की बात करें, ये जो AIS लगा हुआ है इस जगह पे, इसको कलर कॉम्बिनेशन मैच कराना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हालांकि वो तो हो गया है आसानी से। इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसमें जब आप इस कलर के रेक्टेंगल बनाओगे ना तो वो थोड़ा सा मैच यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कलर हैं। अगर गौर से समझोगे तो ये इस जगह पे डार्क कलर है और इस जगह पे लाइट कलर है। यहाँ पर अगर इस कलर के रेक्टेंगल बनाओगे तो भी वो उस तरीके का नहीं बन पाएगा। तो इसमें क्या किया गया, इतनी जगह से क्रॉप कर लिया गया है ये वाला ग्राफिक्स, ये देखो, और इस जगह पे अपना लोगो लगा दिया गया है। तो ये क्रॉप भी कभी कभी कर लिया जाता है, ज़रूरत पड़े तो क्रॉप भी कर लेना चाहिए। जब सीमन हो गई क्या, क्या लिख करके आ रहा है ऑनलाइन जो कहते हैं स्क्रीन तो आ रही ना, वाईफाई का कितना डिस्कनेक्ट हो गया है, नहीं वाईफाई तो सही है आगे इसको। आया कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे, ये सब डन है, ये सब डन है, तो क्रॉप वगैरह भी कर लेते हैं। अब एक दो टूल को फोटोशॉप में सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी टेक्निक्स इसी में हैं जिनको हम लोग सीखने से पहले कुछ टूल्स के बारे में समझते हैं। अगला जो टूल हम लोग सीखने वाले हैं वो ये है, जो कि एक बड़ी कॉमन टेक्निक है जो अक्सर यूज़ की जाती है, वो ये है यहाँ पर, इन एडवर्टीजमेंट्स में है वो टेक्निक। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और आसान तरीके से समझाते हैं। ये ग्राफिक जैसे आप देखो, बड़ा सिंपल सा ग्राफिक है, उसमें कुछ है ही नहीं। ये एक इमेज है और ये एक यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा लग रहा है कि रेक्टेंगल जैसा बना हुआ है, और ये जो येलो कलर का है बैकग्राउंड में वो भी एक रेक्टेंगल जैसा बना हुआ है। और ये जो रेक्टेंगल है एक्चुअली, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पर देखो ज़्यादा ब्लैक है और यहाँ पर कम डार्क है, बात समझ पा रहे हो।
तो ये काम कैसे किया गया होगा कि इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन देना, या इस ग्राफिक्स में भी अगर आप देखोगे तो ये जो पर्सन की फ़ोटो है ये एकदम क्लियरली दिख रही है, लेकिन इस जगह पे हल्का सा डार्कनेस है जिसकी वजह से जो टेक्स्ट लिखा है वो क्लियरली समझ में आ रहा है। इस वाले ग्राफिक्स में और इस ग्राफिक्स में बेसिकली पहला अंतर तो यही है, यहाँ पर क्या पर्सन की फ़ोटो भी और उसका बैकग्राउंड सब बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। इसमें क्या बाकी चीज़ों को हल्का सा लाइट कर दिया गया है। या हम लोग बात करें कई सारे YouTube में अगर आप थंबनेल देखोगे वो अक्सर इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं BBC जैसे जो चैनल्स, इवन डॉक्टर विवेक बिंद्रा का अगर आप देखोगे उसमें भी ये चीज़ खूब यूज़ होती है। जैसे यहाँ पर देखो दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले का निधन, तो एक तरफ फोटो और दूसरी तरफ देखो ब्लैक कलर का डार्कनेस है, लेकिन डार्कनेस भी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे ज़्यादा डार्क, धीरे धीरे वो डार्कनेस कम होती जा रही है। समझ पा रहे हो ना बात को? क्या चीज़? हाँ, ये जो ग्रेडियंट का यूज़ करके किया गया है, तो ट्राई करना चाहोगे कैसे किया गया है? वही ग्रेडियंट टेक्निक ही है यहाँ पर। जैसे इनके वाले में अगर आप देखोगे कुछ में होता है कुछ में तो नहीं, जैसे यहाँ पर हल्का सा डार्कनेस दे दी गई है, बैकग्राउंड ब्लू कलर का उसमें हल्का सा डार्कनेस दे दी गई है। और भी कई ग्राफिक्स में ये चीज़ आप देखोगे कॉमनली यूज़ कर ली जाती है। तो ये कैसे किया गया इसको अभी हम लोग समझते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आप गौर से देखना। यहाँ पर भी देखो हल्का सा ब्लैकनेस दे दी गई है, इनकी फ़ोटो लगी हुई है। अब मान लेते हैं यही ग्राफिक्स आपको बनाने के लिए दे दिया जाए, एथिकल डिसीजन वर्सेज इमोशनल डिसीजन, सही फैसला कैसे लें। तो देखो एक तरफ फ़ोटो लगी हुई है, फिर ये सब देखो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है, फिर रेक्टेंगल बना है उसके ऊपर हिंदी में लिखा है। तो ये एक आइडियल ग्राफिक्स है जिसको बना करके ट्राई करना चाहिए, ठीक है? तो इसको पूरे इसी ग्राफिक्स को हम लोग कोशिश करते हैं बना करके कैसे बनाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको भी हम लोग बना लेंगे। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले। तो अब इस ग्राफिक्स को बनाने के लिए मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक फ़ोटो भी चाहिए होगी, तो फोटो इस वीडियो से निकाल लेते हैं, फिलहाल वीडियो से निकाल लेते हैं, वो तो गूगल पे भी जाके मिल जाएगी, लेकिन एक ऐसी फ़ोटो निकाल लेते हैं जिसमें कि विवेक बिंद्रा ऐसे कुछ कपड़े वपड़े पहने हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे ये वाली फ़ोटो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्रॉप कट कर लेता हूँ, चेहरा थोड़ा सा इस तरीके से बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा ही कर लिया जाता है। फिलहाल तो मैं यही वाली फ़ोटो इनकी ले लेता हूँ, हालांकि हाथ थोड़ा सा हो सकता है चला जाएगा, लेकिन चलो लेट्स सी कैसा आता है। ये तो मैं अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल स्क्रीनशॉट लिया है मोबाइल, इसमें क्या कहते हैं लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं पता है आप लोगों को? मोबाइल में तो बड़ा आसान है, मोबाइल में तो ले लेते हैं ऐसे करके, वो तो पता ही है। डेस्कटॉप में कैसे लेते हैं? हाँ, ये तो मैकबुक, इसमें तो अलग तरीका है। आपके डेस्कटॉप में देखना वहाँ पर स्निपिंग टूल करके आता है, जहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है ना नीचे साइड, वहाँ पे सर्च करना स्निपिंग टूल, SNIPPING करके स्निपिंग टूल, उससे लेते हैं। वो थोड़ा प्रोसेस बड़ा होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई करना। ये स्निपिंग टूल करके एक आएगा, यहाँ पे सर्च करना अपने स्टार्ट वाले बॉक्स में जाके स्निपिंग टूल, तो ये इस तरीके से एक टूल ओपन होगा, फिर उस टूल को ओपन करके एक न्यू करके लिख करके आएगा, न्यू करके उस पर क्लिक करना, तो वो ऑटोमेटिक इस तरीके का एक बॉक्स बन के आ जाएगा, कितना स्क्रीनशॉट लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है, पूरा लेना है, कितना लेना है, उसको अपने हिसाब से प्रिंट वाला नहीं, स्निपिंग टूल में ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जितने का स्क्रीनशॉट लेना, जैसे इतनी जगह का लेना, उतनी जगह सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना। फिलहाल हम नेक्स्ट आते हैं, पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे करना है। तो अभी हम लोगों को एक ग्राफिक्स बनाना है जो कि यूट्यूब में थंबनेल के हिसाब से बनाना है। तो यूट्यूब के थंबनेल का एक अपना साइज होता है, यूट्यूब के थंबनेल का साइज क्या होता है पता है किसी को? सबसे अच्छा गूगल पे जाके तुरंत सर्च कर लो, गूगल पे जाके सर्च कर लो,
जैसे YouTube थंबनेल साइज पता करना, YouTube थंबनेल साइज गूगल पे सर्च किया, बाकी जब 5-6 बार बनाओगे तो खुद ही याद हो जाएगा। जैसे YouTube के थंबनेल का साइज होता है 1280x720, मतलब हाइट ज़्यादा, हाइट कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। खैर प्रैक्टिकली देखो करना कैसे है, फोटोशॉप ओपन करना, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना, न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे साइज एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो इसमें लिखना 1280 और इसमें लिखना 720 और उसको कर देना क्रिएट। तो ये एक वाइट कलर की स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी, साइज होता है 1280। तो ये विड्थ और हाइट है। अब इसके ऊपर मुझे ग्राफिक्स बनाना है। ये जो ग्राफिक्स जिसका मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इस पूरे ग्राफिक्स में सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोटो है उसको सबसे पहले लेकर के आएंगे। ओके, तो जब कभी भी आपको ये ग्रेडियंट वाला ऑप्शन देना हो, मतलब इस तरीके से कलर देना हो कि हल्का सा ब्लैक हो बाकी एरिया में ब्लैक ना हो, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट इफेक्ट। करते कैसे वो देखो, सबसे पहले ये वाली फ़ोटो लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर किसी भी फ़ोटो को लाने का तरीका क्या है, फाइल पे गए और ओपन एंड प्लेस, ओपन एंड प्लेस का ऑप्शन आता है किसी भी इमेज को यहाँ पर लाने के लिए। 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे तभी इस काम को कर पाओगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो ये फ़ोटो मैं लेकर के यहाँ पर आ गया। इस फ़ोटो को जहाँ भी लगाना है वहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लो। ये इतने में मान लेते हैं, रखना इतने में, थोड़ा नीचे रखना, नीचे कर लो। इसमें कैसा है, हाँ इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं। नीचे और भी कर सकते, लेकिन जो इमेज हम लोग लिए ये इमेज वो इमेज में थोड़ा अंतर है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो वही नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे बना कैसे है। उसमें तो ऑलरेडी वो क्रॉप हो ही गया है ना मामला। तो बिल्कुल पहला स्टेप क्या है, इमेज को लेकर के यहाँ पर आ जाओ। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाता हूँ। तो प्लेस इमेज, जो इमेज आपको उसमें दिखानी है उस इमेज को यहाँ पर प्लेस करो। अब देखो क्या करना है, टोटल 5 स्टेप है, गौर से देखना कैसे करना है। अगला स्टेप है आपका इस पूरी फोटो के ऊपर ब्लैक कलर कर देना। कैसे करना है ब्लैक कलर, देखना इसकी जो लेयर है ना, मेरे कीबोर्ड इसमें माउस पे थोड़ा नज़र बनाए रखना। ये जहाँ पे मेरा ये माउस है इस जगह पे देखना, जो इसकी लेयर है उस पर क्लिक करना और नीचे साइड जाना, इस पर क्लिक करना तो एक ऑप्शन आएगा कलर फिल। स्टेप नंबर 2 कलर फिल करो। कौन सा कलर मैं फिल करूँगा, ब्लैक कलर, जो मना है वो कलर फिल कर सकते हो, रेड ब्लैक ब्लू। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। ब्लैक कलर फिल कर देने से क्या हुआ, ये पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड स्टेप था कलर फिल, मैं 3-4 बार बताऊँगा तो आप समझ जाओगे, फिर जब प्रैक्टिस करोगे तो कर ले जाओगे। कलर फिल मैंने कैसे किया था, इस इमेज पे मैं गया यहाँ पे क्लिक किया और कलर फिल ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। स्टेप नंबर 3 यहीं पे जहाँ पे कलर फिल किया होगा वहाँ पे देखना 2 बॉक्स बन करके आ गए होंगे, ये वाला बॉक्स और एक ये वाला, इसको मास्क बोलते हैं, इस पर क्लिक कर दो मास्क पे। स्टेप नंबर 4 फिर से आओ अपने इसी में और लेफ्ट साइड में देखना जहाँ टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आता है, इसी के थोड़ा सा ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा ग्रेडियंट टूल करके, ग्रेडियंट टूल इसको सेलेक्ट करना। और लास्ट स्टेप यहाँ पे जाना और ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करना। अभी एक दो बार और बताएंगे तब समझ पाओगे। और फिर एक लाइन ड्रा कर देना, ठीक है, ये लाइन जैसे यहाँ पे ड्रा हो गई ऐसे ऊपर साइड भी ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये लाइन अभी मैंने सिंपल से ड्रा कर दी है, इवन इस ग्राफिक्स को एकदम पहले सिंपल वाला बनाते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन ज़्यादा आएगी, जैसे BBC वाले करते हैं कुछ उस तरीके की थीम में रखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया है। अब मैं जो यहाँ लिखना चाहूँ वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो अगर हम लोग BBC का पहले एग्जाम्पल लेते हैं तो वो लोग यही चीज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर ये हल्का सा ब्लैकनेस है और उसके बाद ये फोटो यहाँ पर आ रही है। तो इस चीज़ को लोग और दूर भी कर सकते हैं, जैसे ये ब्लैकनेस है यहाँ पर जो मैंने ग्रेडियंट टूल लिया, तो लाइन को लोग ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा और दूर हो जाएगा। ओके, जितना पास है दूर करना था उतनी बड़ी लाइन यहाँ पर
ड्रा कर देते हैं, बड़ी सी लाइन ड्रा कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो लाइन ड्रा फिलहाल यहाँ पर हमें करना होता है। तो इस बात को मैं नोट कराता हूँ, फिर से बताते हैं। सबसे पहले इमेज को प्लेस करो, फिर कलर फिल करो, फिर मास्क करो, फिर एक ग्रेडियंट नाम का ऑप्शन आ रहा होगा वो सेलेक्ट करो, और फिर एक लाइन जैसी ड्रा कर दो। ग्रेडियंट के साथ में ब्लैक एंड व्हाइट भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। हाँ, फिर वो रेड कलर में आता है, फिर और भी अच्छा लगता है। जैसे मान लेते हैं ब्लैक कलर की बजाय मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ जो इनके मैच कर रहा है। ये देखो ज़्यादा अच्छा लगेगा इनके हिसाब से, ठीक है। बाकी ब्लैक भी लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इस जगह पे हम लोग लिख लेंगे अपनी बात को। तो ये जो मैं अभी आपको रेफरेंस दिखा रहा था यहाँ पर, इसमें क्या है ब्लैक कलर जो है ब्लैक हिलो हल्का सा ब्राउन टाइप का ले लिया है। तो एक बार फिर से देखो इस पूरे काम को करना कैसे। मैं इसको क्लोज करता हूँ। न्यू फाइल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की 1280x720 क्रिएट। 5 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, इमेज लेकर के आओ। फाइल पे गए, ओपन एंड प्लेस पे गए और इस इमेज को लेकर के आ गए। इमेज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना, वहाँ पर इसको कर लो सेट। स्टेप नंबर 2, कलर फिल करो। यहाँ पे गए, कलर फिल किया ब्लैक कलर। ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं पूछते जाना, मैं बताता जाऊँगा कहीं भी कन्फ्यूज़न हो। यहाँ पे मास्क पे क्लिक कर लो। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, ग्रेडियंट टूल लो और कंफर्म कर लो कि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ही सिलेक्ट है। स्टेप नंबर 5, लाइन ड्रा कर दो। अगर मैं ये लाइन ऊपर साइड ड्रा कर देता तो ये ऊपर साइड ब्लैकनेस आ जाती। मैं इसमें ये काम दो बार करूँगा। एक बार इधर लाइन ड्रा किया मैंने, इसी लेयर को मैं कॉपी करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा और एक बार लाइन ऐसे ड्रा करूँगा। इनको लेके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो अब वो जो चीज़ वहाँ पर थी वो कुछ उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब एग्जैक्ट वही फ़ोटो मिल जाएगी, ढूंढने पर तो काम और आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखो वही चीज़ है, दत्तराज की गलतियों से जो है मारा गया। तो एक तरफ उनकी फ़ोटो लगा दी गई, दूसरी तरफ ये ब्लैकनेस वाला ग्रेडियंट इफेक्ट कर दिया गया है। ओके, तो होपफुली ये वाला इफेक्ट आप समझ गए होंगे, बड़ा कॉमन इफेक्ट है, अक्सर इसको लोग करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने किया हुआ है, ब्लू कलर का इफेक्ट कर दिया है ब्लैक की बजाय। ओके, अब इसके बाद ये सब जो बना हुआ है सही फैसला कैसे ले, और ये वाइट कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है सीखने वाली, उसको गौर से देखना। जैसे इतना बैकग्राउंड वगैरह सब हम लोगों का डन हो चुका है, मान लेते हैं कि बैकग्राउंड जो था वो सब डन हो चुका है। इस फोटो को और अपने अकॉर्डिंग यहाँ वहाँ सेट कर लो। अब इसके ऊपर मान लेते हैं मुझे कुछ लिखना है, और वो भी रेक्टेंगल बना करके लिखना है। तो कैसे इस काम को करेंगे? सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे। तो रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, कल ये मैंने बताया था। यहाँ पे जाएंगे तो रेक्टेंगल, इलिप्स, लाइन, ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है लाने के लिए। फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जब लाइन यहाँ पे ड्रा की थी तो उसको थोड़ा दूर से ड्रा करते, वो भी थोड़े में आएगा तो आने को आ जाएगा, लेकिन वो और लगेगा वहाँ पर किसी भी इतनी जगह पे हट रहा है आ जाएगा। उसकी भी टेक्निक है, लेकिन वहाँ पे अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इतना कुछ वो होती भी नहीं, प्रॉब्लम चल जाता है काम है। तो अभी जैसे यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, लेकिन पहले रेक्टेंगल बनाना है। टेक्स्ट लिखने से पहले रेक्टेंगल बनाना है। तो देखो रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया रेक्टेंगल का ऑप्शन और इसको यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल का कलर ले लेता हूँ, सपोज मैंने वाइट ले लिया और ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इससे जब वाइट है ये देखो मैंने वाइट कलर के रेक्टेंगल यहाँ पर बना लिया। अगर इस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो ऐसे कुछ राउंड करने पड़ते तो ये काम कैसे करेंगे? कॉर्नर को राउंड कैसे करेंगे? हाँ, देखो कहाँ पर आता है। तो प्रैक्टिस जरूर करते चलिए, प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। कॉर्नर को राउंड करने के लिए एक ऑप्शन आता है कॉर्नर रेडियस करके। ये देखो मेरा जहाँ पे माउस है ऊपर साइड लिखा हुआ दिख रहा होगा कॉर्नर रेडियस, इसका यूज़ करेंगे। कॉर्नर रेडियस में आप 20 30 40 जितना लिख दोगे उतना वो राउंड हो जाएगा, लिखा पहले जाता है बनाने से पहले। तो कॉर्नर रेडियस में जैसे मान लेते मैंने लिख दिया 50 मतलब ज़्यादा राउंड करना। तो अब मैं रेक्टेंगल जो बनाऊंगा ऑटोमेटिक राउंडेड ही बनेगा, बाद में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आता है यहाँ पर। 50 की बजाय मान लेते हैं मुझे लग रहा है ज़्यादा राउंड है,
कम राउंड रखते हैं, तो मैंने 10 लिख दिया। हाँ, चारों में लिखना पड़ेगा। तो 10 में देखो थोड़ा सा कम राउंड है, दिख रहा है ना। अगर मैं 100 लिख दूंगा, देखो ज़्यादा राउंड हो गया। 50 मैंने लिखा, कितना राउंड है। ये यहाँ पे ऑप्शन आता है इन्फो में इस जगह पर। ओके, तो ये मैंने राउंडेड यहाँ पर कर लिया है। अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख लेंगे। हिंदी में टेक्स्ट है तो उसको लिखने की वही टेक्निक है। गूगल इनपुट टूल पे जाएंगे, सही फैसला कैसे ले, इसको कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी लिखना है उसको हम लोग यहाँ पर अपना लिख लेंगे। जब स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाएगी, बस थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। अभी जो मैंने लिखा है काफ़ी छोटा छोटा लिखा है, इसका कलर और साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। पेस्ट करेंगे बस। यहाँ पे सपोज मैंने 40 ले लिया, थोड़ा 50 कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इस काम को कर लेंगे। तो होपफुली ये बात समझ गए ना सभी लोग। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, कहीं पर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डन है ना यहाँ पर? ऑनलाइन कुछ 8 लोग कनेक्टेड हैं, कहीं पर डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पूछते जाना। ये फॉन्ट तो वैसे कलाम वाला फॉन्ट है, उसका यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। कौन सा? ये हिंद फॉन्ट हो गया, कोई नॉर्मल सा फॉन्ट लग रहा है? ये तो इनका और बेसिक फॉन्ट लग रहा है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं फॉन्ट को अगर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये तो और बेसिक फॉन्ट है इस जगह पर। ये ऐसे कोई फॉन्ट यूज किया गया होगा, थोड़ा सा और सर्च कर लेंगे तो कोई दूसरा फॉन्ट मिल जाएगा। फिर ऊपर कुछ लिखा हुआ तो जो ऊपर लिखा हुआ वो लिख लेंगे। एथिकल डिसीजन वर्सेज इमोशनल डिसीजन, बेहद बारीक से छोटे छोटे पॉइंट है, जब अंदर जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये जो एथिकल डिसीजन वर्सेज इमोशनल डिसीजन लिखा है ना, इसमें भी बड़ा लिखने में दिमाग लगाया गया है। ये नॉर्मल नहीं लिखा गया है, क्या दिमाग लगाया गया है समझ पा रहे हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ गया कहाँ गया। मैं इमेज को ओपन करता हूँ, मेरे पास इमेज सेव है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इमोशनल डिसीजन, इसमें देखो ये हल्का सा कलर लाइट है और नीचे हल्का सा कलर डार्क है। ये भी ग्रेडियंट का यूज़ करके किया गया है। ओके, तो कैसे किया गया वो फिर कभी, फिलहाल ये इतना काम आप कर लोगे, ऊपर जो लिखना वो सब लिख करके सेव कर लोगे। तो जो पहला टॉपिक आज की क्लास का वो यही था कि ये ग्रेडियंट कैसे करते हैं, कलर फिल कैसे करते हैं, इस बारे में। तो ये भी होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी बीच हम लोगों ने एक चीज़ और देखी कि रेक्टेंगल को राउंड कैसे करते हैं, तो रेक्टेंगल राउंड करना भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, फोटोशॉप की कुछ और बेसिक बेसिक बातों को समझते हैं, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। कौन सी? अच्छा, ये वाली ना। हाँ, इस चीज़ को करने के लिए फिर एक और तरीका अपनाया जाता है, वो ये है कि इस फोटो का पहले बैकग्राउंड हटा दो, दो चीज़ों को अलग अलग लगाओ। मैं एग्जांपल से बताता हूँ इस काम को कैसे करना बेटर रहेगा। तो न्यू फाइल लेते हैं, फाइल पे गए, न्यू पे गए। मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक फ़ोटो है, कोई फ़ोटो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सुमित तुमने भेजी भी थी मेहनत करके, तुम्हारी कोई फ़ोटो ले लेते हैं। ये वाली फ़ोटो नहीं भेजी थी सुमित, जिसमें ये फीमेल है, कौन सी है? चलो एक बल्कि ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, लेना है। हालांकि इसमें तो ऑलरेडी थोड़ा सा ब्लरनेस सही है, इसको अगर डॉक्यूमेंट में भेजोगे ना तो और क्लैरिटी आएगी। हाँ, ये ऑप्शन वैसे यहाँ पर आता है फोटोशॉप में, जो ओपेसिटी वगैरह को हम लोग कम कर सकते हैं। बाकी दूसरे टूल्स भी आते हैं जिनसे ब्लर कर सकते हैं। हाँ, वो हल्का हल्का उस तरीके से आता है। हाँ, गॉसियन ब्लर का यूज़ कर सकते हैं। ये जो एक्चुअली फोटो क्लिक करने वाले का भी अपना टैलेंट है, जिसने फोटो क्लिक की होगी।
ये एक्चुअली ये तो क्लिक करने वाले का ही टैलेंट है कि उसने जब क्लिक किया है तब ये नॉर्मली DSLR कैमरा में फीचर्स होते ही होते हैं, तभी वो कई बार इस तरीके एडिटिंग कर लेते हैं। मान लें इसी फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, नॉर्मल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए दूसरे टूल्स आते हैं जिनकी हम लोग हेल्प यहाँ पर देंगे। हाँ, तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि इस फोटो से इसका बैकग्राउंड को अलग करेंगे, तो उसके लिए remove.bg जैसे टूल्स आते हैं। तो किसी भी फोटो से उसका बैकग्राउंड अलग करने के लिए एक टूल है remove.bg जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे अपलोड इमेज यहाँ पर हम लोग करेंगे, ये नॉर्मली हम लोग अक्सर ज़रूरत पड़ेगी अपनी खुद की फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना है या किसी भी फ़ोटो का, तो remove.bg की हम लोग यहाँ पर हेल्प लेंगे। इस जगह पे इस इमेज को मैं अपलोड करूँगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये टूल्स क्या करते हैं, बैकग्राउंड को हटा देते हैं। इसको हम लोग कर लेंगे डाउनलोड। HD में डाउनलोड करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि HD में क्या है, डाउनलोड तो हो जाएगा लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आएगी, ये मुझसे बोलेगा ईमेल आईडी में लॉगिन करो। तो HD डाउनलोड भी हो जाएगा लेकिन ईमेल में लॉगिन करना पड़ेगा, जिस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ से इस बैकग्राउंड को ले लिया है, ठीक है। तो इससे इसको अलग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह कि जब लोग इसके एडिट पर जाएंगे तो ये खुद ब खुद रिकमेंड करेगा कि आप बैकग्राउंड को इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि इस पर्सन की फ़ोटो के अलावा बाकी सब क्या हो गया है, यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा ब्लर हो गया। और ज़्यादा ब्लर करना है और ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, कोई और बैकग्राउंड लेना है तो और भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इस काम को हम लोग यहाँ पर एक्सक्यूट करेंगे। जैसे मान लेते मैंने किसी फ़ोटो का ही बैकग्राउंड लेना है। हाँ, उस फोटो शॉप में ये ऑप्शन आता है लेकिन उसका इतना लंबा प्रोसेस है, इस फोटो का बैकग्राउंड हटाने का फोटोशॉप में भी ऑप्शन आता है। लेकिन इसमें क्लैरिटी भी आएगी। फोटोशॉप के ये सब टूल है, मैजिक बैंड, क्यूब सिलेक्शन, इन टूल्स का यूज़ करके बैकग्राउंड हट जाता है, लेकिन उतना लंबा प्रोसेस है कि उसमें घंटों टाइम लग जाएगा। पहले तो ऐसे ही होता था, जब ये AI वाला टूल नहीं था, ये अभी पिछले 4-5 सालों में ये टूल आया है। उसके पहले यही तरीका होता था कि अगर इस फोटो का बैकग्राउंड हटाना है तो उसकी प्रक्रिया फोटोशॉप में कैसे होगी वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो क्या करना पड़ता नहीं, तो इसको HD क्वालिटी में डाउनलोड करो ना, लॉगिन कर लो HD। हाँ, एक ईमेल तो डाउनलोड हो ही जाती है जीमेल से लॉगिन करके, दूसरी ईमेल आईडी यूज़ कर लो। अब वो लोग इतनी ईमेल आईडी कहाँ पे लाएंगे, बनानी पड़ती है, उससे बड़े ऑब्वियस ही बात है। हमने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ वही तो स्मार्ट दिमाग है। 4-5 ये एक्चुअली एक ईमेल आईडी से ओपन कर लोगे, 2-3 महीने बाद वो उस ईमेल आईडी को भूल जाता है, फिर उसी ईमेल आईडी से ओपन कर लो, 10-12-15 ईमेल आईडी हम लोगों के पास रेडी रहती हैं सब कामों के लिए। हालांकि दूसरे टूल्स भी आते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, उनका यूज़ कर लो। तो इस तरीके से है बात यहाँ पर। हाँ, एक ईमेल आईडी से एक कर सकते हो, उससे ज़्यादा करना फिर रुपये दो उनको। हाँ, और लास्ट सोल्यूशन ये है कि उनका अपना प्राइसिंग देख लो क्या है, ज़्यादा रुपए नहीं लेते हैं। डाउनलोड तो कितने भी कर सकते हो लेकिन HD में डाउनलोड नहीं कर सकते हो, अंतर समझे ना। यहाँ 7 रुपये पर फोटो लेते हैं अगर HD में डाउनलोड करना चाहते हो, नहीं तो डाउनलोड तो नॉर्मल हो ही जाता है। देखो अभी मैंने डाउनलोड किया तो है, कोई दिक्कत नहीं आई, वो भी HD जैसा ही आता है, मतलब थोड़ा सा HD से कम रहता है लेकिन हो जाता है डाउनलोड वेटिंग। तो remove.bg जो टूल है इसकी हेल्प से हम लोग इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे, फिर इमेज को लेकर के यहाँ पर आएंगे, फाइल पे गए, ओपन एंड प्लेस पे गए, और जो इमेज मैंने डाउनलोड किया उसको लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे। इस इमेज को थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ कहीं पर सेट कर लेंगे, थोड़ा सा इमेज बड़ी ज़्यादा आई है। मान लेते हैं इतना ही रखते हैं, नहीं तो क्वालिटी में मज़ा नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को कर लिया है ब्लर। अब इस जगह पे अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या इसमें भी वही काम कर लेते हैं कलर इफेक्ट करने वाला जो ग्रेडियंट वाला था, कि पहले यहाँ पे कलर फिल करेंगे। अब कलर ब्लैक करना चाहे तो ब्लैक भी फिल कर सकते हो, या नॉर्मल इसी का कोई कलर ले लो जो यहाँ पर ऑलरेडी है, इस टाइप का कोई कलर, या हल्का सा ब्लैक ले लेते हैं, चलो ब्लैक ले लेते हैं। फिर यहाँ पर जाएंगे, ग्रेडियंट टूल लेंगे, ब्लैक एंड वाइट लेंगे, और यहाँ पर लाइन को कर देंगे ड्रा। अब इसके ऊपर अपना टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, तो वो जो टेक्स्ट लिखेंगे वो क्लियरली समझ में आएगा,
ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अक्सर ग्रेडियंट का इस तरीके से यूज़ कर लिया जाता है। डन। तो सुमित, तुम्हें यही काम करना है, यहाँ पे पहले ग्रेडियंट ले लेना, फिर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना, तो देखना वो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर इन लोगों ने उसी टेक्निक का यूज़ किया हुआ है। नीचे से भी हल्का से ग्रेडियंट दे देना। अच्छा, और बेयर लेट कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे इधर? हाँ, वो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। ब्लैक एंड व्हाइट पे ही वो सही काम करता है। हाँ, यहाँ तो, हाँ वहाँ तो रेड ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट ही लेना है, तभी वो सही काम करेगा। हाँ, वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट ही लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेसिक बेसिक एडिटिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं फोटोशॉप की। तो इसको भी हम लोग होपफुली यहाँ पर बना ही लेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट में काम करके। टाइम लगेगा, अभी टाइम लेकर के उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। ये बात डन। रिमूव डॉट बी जी का यूज़ करना समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक बेसिक एडिटिंग को, एक एडोब की अपनी वेबसाइट आती है। हाँ, तो जैसे एडोब करके यहाँ पर सर्च करोगे, एडोब बैकग्राउंड रिमूव, adobe.com करके वेबसाइट है, इससे बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। वही तरीका है, आप फोटो अपलोड कर लो, उसका बैकग्राउंड ही रिमूव करेगा। नहीं, इसमें भी लिमिट है, लॉग इन बना करके ही कर पाएंगे। और लेट्स, तो ये सब बातें यहाँ पर डन हो गई हैं। कुछ PSD फाइल्स पर भी हम लोग और काम करते हैं। फाइव टेन मिनट्स की और क्लास अभी लेंगे, उसमें कुछ एक दो बातें और हमें बताने लायक और डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस ग्राफिक्स में जो मैच लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जो मैच लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी बारीकी समझ पा रही है, कोई फॉन्ट नहीं है यहाँ पर। इसी PSD को मैं ओपन करता हूँ। ये PSD इस तरीके की फ्री पिक, एक जो वेबसाइट मैंने बताई, ये भी बड़ी अच्छी वेबसाइट है फ्री पिक। यहाँ पे भी हर तरीके की PSD मिल जाती है। कैसे मिलती है इसको भी देख लो फ्री पिक में, क्योंकि ये पेड भी होता है, फ्री भी होता है। तो ये सब प्लेटफॉर्म, कुछ फ्री होता है, कुछ पेड होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, मुझे PSD फाइल चाहिए, सपोज़ किसी बिजनेस को एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल के लिए मुझे ग्राफिक्स बनाना है। क्या चीज़? हाँ, जैसे मान लेते हैं लेज़र के लिए मुझे ग्राफिक्स बनाना है, तो मैंने लेज़र करके यहाँ पर सर्च किया। तुम्हें कुछ पूछना चाहते हो? आप वीडियो शेयर कर देंगे सर। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेदर सर्च किया, तो सबसे पहले लेदर की इमेजेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करो, यहाँ पर PSD ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, PSD, और यहाँ पे फ्री ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि पेड इसमें ज़्यादा आती है, तो फ्री ऑप्शन लेना ज़रूरी है, PSD और फ्री। तो अब जो आएंगे वो सब PSD फाइल्स आएंगे, जिनको एडिट कर सकते हो। जैसे ये सब फाइल्स आ रहे हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके इनमें जो भी लिखना चाहो वो वहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से कई सारी डिजाइन्स यहाँ पर आ जाएंगी। ये जैसे एक डिजाइन आ रहा, इसको एडिट कर सकते हो। सेम ऐसे यहाँ पे जैसे एजुकेशन अगर सर्च करेंगे स्कूल वगैरह के लिए, तो कई इंस्टाग्राम के ग्राफिक्स वगैरह भी आ जाएंगे, जिनको हम लोग एडिट कर सकते हैं। ये ऐसे देखो, यहाँ पर कितना बेहतरीन ग्राफिक्स आ गया है। सभी कलर फॉन्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेहतरीन, साफ सुथरा ग्राफिक्स बना हुआ है। ये देखो, सोशल मीडिया के आइकन्स भी लगे हुए हैं। इसको एज इट इज़ डाउनलोड करके इसी में ही एडिट कर सकते हो। और ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं कि अगर ये स्कूल का ग्राफिक्स है तो स्कूल का ही बनाओ, इसको किसी और चीज़ का भी बनाया जा सकता है। जैसे मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग का या किसी और चीज़ को भी टेक्स्ट वगैरह एडिट करके बना सकते हैं। हाँ, इस लड़के की फ़ोटो चेंज करके कुछ और लगा सकते हैं बिल्कुल। इन फ़ोटो कई बार डाउनलोड होती भी नहीं है इसके साथ में। तो PSD फाइल इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। देखो सब कितने अच्छे अच्छे डिजाइन हैं। तो कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक पर आपको PSD फाइल मिल जाएगी।
फिर उसको डाउनलोड करके एडिट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे, ये जो PhD फाइल है इसमें जो मैच लिखा हुआ है, तो जो पूछा जाता है ये जो मैच है इसके अंदर क्या है कि ये जो फॉन्ट है, पहले देखते हैं कौन सा फॉन्ट है। एंटोन करके कोई फॉन्ट है यहाँ पर। फिलहाल तो उस फॉन्ट की वजह से ये इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। राउंड करना आप लोगों ने सीखा ही होगा क्लास के टाइम पर। हाँ, ये एक चीज़ और है भी जो हो सकता है आप में से कुछ ना क्लियर हो। बाहर बाहर देखो यहाँ पर ये येलो कलर का एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, तो ये बॉक्स बाहर बाहर कैसे बनाया गया है, ये आपको हरे मतलब काफ़ी बार करना पड़ेगा कई अच्छे ग्राफिक्स में कि बार बार एक बॉक्स बना दिया जाता है, उससे क्या लगता है थोड़ा अच्छा लगने लगता है देखने में। तो ये बॉक्स कैसे बनाया जाएगा, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे बार बार ये बॉक्स बनाना है तो इसको बनाने का देखो तरीका क्या है। ये एक्चुअली एक रेक्टेंगल बना और कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मली हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं तो वैसे यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बनाएंगे। मान लेते हैं मैं रेड कलर का एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक। तो ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बना दिया, लेकिन इस रेक्टेंगल में बाहर लाइन आने के बजाय ये कलर भी आ रहा है। तो इस कलर को यहाँ पे क्या करोगे, ये जो फिल करके जो ऑप्शन आता है, फिल करके जो कलर आ रहा है इसको कर दो नो फिल। तो अब क्या हुआ, बाहर बाहर बस लाइन जैसे दिखेगी, अंदर जो कलर वो नहीं आ रहा है। बाहर की जो लाइन होती है, आउटलाइन जो होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो कलर फिल को कर दोगे बंद और स्ट्रोक को जाके कर दोगे जो भी कलर लेना वो। और ये भी वन स्ट्रोक है, मतलब छोटी सी लाइन आएगी, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लो। जैसे मान लेते मैंने कर दिया 2.7, तो देखो एक बार बार लाइन जैसी दिख रही है। और ज़्यादा स्ट्रोक कर लेते हैं, हाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर जैसे मैं रेड ले लेता हूँ बाहर की लाइन का। ठीक है, अभी कॉर्नर जो थोड़ा थोड़ा राउंड है वो इसलिए राउंड है क्योंकि मैंने पहले से 50 ले रखा था, वो अगर 0 होता क्या जी वहाँ से नहीं, यहाँ से जाके चेक करो। एक्चुअली वो ख़त्म कर दिया ना, वहाँ पर वो भी नहीं आ पाएगा अभी। इस चीज़ को बनाते टाइम पर ही ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 0 यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी में एक छोटा सा और पॉइंट है, उसको मैं बता देता हूँ। जब कॉर्नर हम लोग राउंड करते हैं तो कई बार आपको एक तरफ के कॉर्नर राउंड करने पड़ेंगे, दूसरी तरफ नहीं करने पड़ेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं जिन पे कि वर्किंग करना होगा आप लोगों को जब बनाओगे ये सब। ये जैसे एक बड़ा ही आइडियल ग्राफिक्स है, इसमें काफ़ी सारा काम है, इसको आप एक बार ट्राई करना कैसे किया गया है। बेहद ज़्यादा इसमें सर्किल और ट्राइंगल इन सब का यूज़ किया गया है। मैं इस तरीके के ग्राफिक्स आपसे शेयर भी करूँगा। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ये देखो यहाँ पर ये जो एफिनिटी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये एफिनिटी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है इसमें देखो इस जगह के जो कॉर्नर है ये ऊपर वाला ये राउंड नहीं है और नीचे वाला राउंड है। इस तरफ आओगे तो यहाँ वाला राउंड है और इस जगह का राउंड नहीं है। तो ये काम देखो कैसे करेंगे, तो सपोज मान लेते मैंने कोई रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा किया, इसका कलर कोई फिल कर लेते हैं। स्ट्रोक अभी मैं हटा देता हूँ, मैं एक नॉर्मल रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक। अब इस रेक्टेंगल की मुझे इस तरफ का कॉर्नर राउंड करना है ऊपर साइड का यहाँ का, और नीचे का राउंड नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, वही इन्फो में जाओगे, आई फॉर इन्फो में, प्रॉपर्टीज़ में, और ये जो कॉर्नर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, यही वो कॉर्नर है। ये ऊपर वाला है, ये उसके नीचे वाला है, राइट वाला और उसके नीचे वाला है। इसी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लो। तो पहले सेम रेडियाई ऑप्शन को बंद करो। तो जैसे ऊपर वाला मुझे राउंड करना है तो मैंने लिख दिया 50, तो वो राउंड हो गया। इस तरह मुझे सबसे नीचे वाला ये वाला राउंड करना है तो यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट है इसका यहाँ पे लिख दो 50, ये देखो राउंड हो गया। तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कोई एक ज़्यादा राउंड, कोई एक कम राउंड भी कर सकते हैं। डन, तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये बेसिक बेसिक बातें होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, इन चीज़ों का आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। संडे को जो क्लास होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो क्लास एज इट इज़ 12 बजे होगी, उसमें आप लोग आ जाइएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ग्राफिक्स को जो भी 5 ग्रुप में शेयर करेंगे उनको एक बार ट्राई कर लेना, और ये ग्राफ वीडियो भी शेयर कर देंगे।